तो अभी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सुख जर्नी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग हैं तिरुचिरापल्ली के अंदर, होटल टेंपल इनके अंदर रुके हुए हैं। और आपको हमने बताया था एक कोई हैं मिलने वाले आए हुए हैं होटल के बाहर, अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। एक्चुअली उन्होंने फेसबुक पर मैसेज किया था, आपको मैं बता दूँ अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं। आप कहाँ होते हैं उसके बारे में हमें तो पता नहीं होता, तो आप फेसबुक पेज शुभ जर्नी उसके ऊपर जो आप शुभ जर्नी जो फेसबुक पेज है इसका लिंक और ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप क्लिक करके इस पेज पर जाएं, मैसेज करते हैं। अगर एक बार में रिप्लाई नहीं है क्योंकि वहाँ इतने ट्रेवल करते हैं हम लोग तो कई बार आपको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आप एक दिन से दो दिन से वापस रिप्लाई करें और अपने बारे में आप बताएं कि आप कौन हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें लिख करके हमें बताएं मैसेज में। उसके बाद में जब भी टाइम मिलेगा मैसेज देख करके मैं आपसे जो कॉन्टेक्ट हम लोग जो करेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम क्या बताएं? माताराम। आ जाओ माताराम जी। तीन साल से पूरा पूरा यात्रा पूरा पूरा वीडियो देखा। सिया का है? सिया अभी वो तैयार हो रहे हैं खाना खा रहे हैं। मेरे सिया को मिला। अच्छा, और राजस्थान में आप कहाँ से? जालौर से। माधा राम जी की बीनवाल से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। राजस्थान में थी, कब मिलेंगे। सुंदर माता जी का वीडियो देखा? सुंदर माता जी। इन लोगों ने जो फेसबुक पर मैसेज किया था तो आप भी इस तरह से करके और कांटेक्ट कर सकते हैं। कई दिन हो गए ना आपको, वो क्या है देख नहीं पाते। देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्या देख नहीं पाते इतने, मतलब कमेंट बहुत आते हैं ना। तो आपसे मिलके बहुत आज यहाँ आए। आपने काम तिरुचिरापल्ली में दोनों से? चलो मिलते हैं। बहुत है अपने उधर के, बहुत है यहाँ पर के, बहुत है। अच्छा, करीबन 2000 दुकान रहेगी। अच्छा, काफी देर तक हम लोग बैठे और आप हमारे से मिलने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप काम क्या करते हो यहाँ पे? मोबाइल एक्सेसरी का दुकान है। मोबाइल से आप कितने सालों से रह रहे हो? हम 10-12 साल से। 10-12 साल से रह रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। तीन साल से मैं 3 साल से वीडियो देखती हूँ। अच्छा, पूरा वीडियो आपका देखा जाए। वेटिंग में रहते हैं आपके वीडियो देखने के लिए? वेटिंग में रहते हैं। अच्छा, हम तो काम करती हूँ और यूट्यूब खोल के देखती हूँ, वीडियो नहीं डाला तो देखती हूँ। अच्छा, ये तो मेरा 3 साल से सपना था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब दोस्तों यहाँ से। ये त्रिची है और अभी हम लोग त्रिची से थंजावुर जा रहे हैं, कल्याणे होते हो जाएंगे। कल्याणे डैम 400 रुपीज। 400 रुपीज ऑन डैम मेन स्पॉट। मेन स्पॉट। ओके ओके ओके, ठीक है साहब, धन्यवाद आपको। कुछ भी रहेगा फोन करो। जी जरूर। ओके चलो, ठीक ठीक ठीक। निंग ऑटो हो एडवा ओके ऑटो और दीजवा सिया सिया बाय बाय सिया। गाँव और खेतों के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ईंटें भी बनाते हैं और कई जगह पर ईंटों के भट्टे की तरह बहुत बड़े भट्टे तो नहीं दिखे। शिवन्या भी जो ऑटो के अंदर मज़े ले रही थी बैठे बैठे, क्योंकि इसकी उम्र भी हो गई है, ये जब 5 महीने के बो रही है तो इस समय बाहर के नज़ारे दिखाने चाहिए बच्चों को। देखिए यहाँ के खेतों के अंदर इस तरह से पानी भरा हुआ, और यहाँ पर चावल की खेती होती है तो चावल के खेतों में भी इस तरह से पानी भरा हुआ है। इलाका जो पूरा का पूरा समतल है। हम लोग आज बहुत खुश थे इस सफर के अंदर, एक अलग ही तरह का रोमांच हमारे अंदर था। और ये देखिए केले के पत्तों वाले खेत भी है यहाँ पर, और ये कल्लीडम डैम आ गया है। यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा डैम है, कल्लीडम डैम के नाम से जाना जाता है। और एरिया जो है पूरा का पूरा यहाँ पर समतल है। डैम जो है उसमें से 3-4 जगह से निकलता है। झूले भी लगे हुए थे बच्चों के, लेकिन हम रुक नहीं पाए, थोड़ा सा समय आज कम था। यहाँ पर लोग जो है नदी के अंदर तक डैम से जो पानी आ रहा है उसमें जा करके नहा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर गहराई के अंदर ज़्यादा पानी था नहीं था पानी, क्योंकि ये समतल इलाका है। समतल इलाके में नदी बहती है, अगर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश भी आ जाए तो भी नदियाँ जल्दी से उफान पर आ सकती है। और यहाँ पर एक माता जी थे, वो यहाँ के इसी गांव के थे, जो सिर्फ इस डैम के ऊपर घूमने के लिए ही आए हुए थे। खूब सारे लोग यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं, खाना लेकर भी खाना यहीं पे खाते हैं, नहाते हैं। और ये डैम के भी हल्के हल्के सारे के सारे गेट खुले हुए हैं। यहाँ पर एक नीर पुरवई जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं, एक पक्षी होता है और वो पानी के अंदर पूरा डूब जाता है, सिर्फ उसकी चोंच बाहर दिखती है, जैसे दूर से दिखता है जैसे सांप की तरह हो, सांप हो पानी के अंदर, ऐसे हमें भी लगा था। और ये नदी जो है कावेरी नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, और यहाँ पर कई सारे भागों के अंदर कावेरी नदी के पार्ट हो जाते हैं। एक खेतों की तरफ जाता है छोटा सा पार्ट है, बाकी आगे जाकर के खेतों में मिल जाते हैं। 3-4 भागों में आगे की तरफ ये नदी जाती है। कोलिडम रिवर है वो भी इसके पास में जी जा रही, एक भाग जो है वो डैम के द्वारा
उसके अंदर मिल जाता है। और ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने के बाद में समतल, तमिलनाडु का अधिकतर इलाका समतल है। ये देखिए डैम भी समतल इलाके में, कोई पहाड़ियाँ नहीं है। नॉर्मली आज से पहले जितने भी डैम हमने देखे हैं चारों ओर पहाड़ियाँ होती हैं, उनका सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। और अधिक बरसात से जो है वो समस्या भी होती है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग जा रहे हैं। बस आ गई काफ़ी देर वेट करने के बाद में, अब हम लोग जो बस में चढ़ रहे हैं। अब जो हम तंजावुर जाने वाली बस के अंदर बैठ गए, पूरा डैम वगैरह भी देख लिया और काफ़ी देर बस का भी इंतजार करना पड़ा। बहुत ही सुंदर और शानदार नीर परवई, वो जो पक्षी था नीर परवई उसका नाम था। तो बस के अंदर अभी लोग हम लोग बैठे हैं और तंजावुर का रास्ता करीब एक घंटा तो आराम से लगेगा यहाँ से। और पूरी बस में गाँव के लोग हैं। हाँ, बस का एक्सपीरियंस होगा। बस पूरी जिस जहाँ से आई है वहीं वापस आ रही है, वहीं जा रही है और वहीं पे पूरी खाली हो गई और फिर से पूरी भर गई। इतने सारे लोग हैं जिन्हें तंजावुर हिरंड लगभग 12:30 का टाइम तो हो ही गया, खाना खाने का भी होगा। दो लोगों के 40 रुपये तंजावुर के लिए। एक बताना, अब यहाँ पर जो बसें वगैरह होती है उनके अंदर हॉर्न अलग तरह के ही होते हैं, ऐसे तीखे नहीं होते जैसे बाकी सब जगहों पर हमने देखा है नॉर्थ के अंदर। तो यहाँ केरला के अंदर, तमिल के अंदर हॉर्न अलग तरीके के ही हैं, जैसे हाथी वगैरह की आवाज़ होती है ना उस तरह की आवाज़ वाले हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है ये आप बताना। मैं आगे आ गया हूँ। कैन आई सीट देयर? तुम लोग भी हैं? सदीश। यहाँ के गांव और खेत, ये देखिए बीच में हॉर्न की जब आवाज़ आती है ना तो आप समझना है। ये यहाँ पर झंडा अभी तक है। ये यहाँ के गांव और खेत है, खेतों के अंदर चावल की फसल। ये जो अभी हॉर्न है इस तरह की आवाज़ है यहाँ पर सारी ये वाले। एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही है। इतनी ऊंची बस के अंदर हम लोग बैठे हैं हाइट के ऊपर से, और यहाँ के नज़ारे देखिए। ये नदी जा रही है, एक पार्ट है ये इसका कावेरी नदी का। एक्चुअली जो डैम हमने आपको दिखाया है वहाँ से ये तीन भागों के अंदर कावेरी नदी है वो बंट जाती है, तीन भागों के अंदर आगे जाती है। तो उसमें से फिर एक पार्ट ये भी है। बहुत सुंदर यहाँ के खेत देखिए। यहाँ पर नारियल के पेड़, तो खेतों की जो मेड़ होती है जो दो खेतों के बीच में होती है वहाँ पर भी हर लोग खेतों में लगाते ही हैं, के बीच में लगाते ही हैं अगर दो खेतों के बीच में उनको वो करना हो। साउथ इंडिया के अंदर जो खेत है तमिलनाडु, ये ड्रीम हुआ करता था पहले कि हम कभी जाएंगे और देखेंगे, और आज देखिए 3,000 किलोमीटर हम लोग चल करके यहाँ के एकदम गाँव और खेत देख रहे हैं। इतने सुंदर और समतल इलाके हैं, यहाँ की बस और बस में जो लोग बैठे हैं ये हमारे लिए तो सब कुछ नया है। यहाँ का जो पहनावा है, यहाँ की जो भाषा है, ये सब कल्चरल बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गांव आ गया। हम लोग जो तमिलनाडु के अंदर हैं और बहुत ही अलग तरह की फीलिंग आ रही है बस के अंदर आज। ये पहला यहाँ का सफर है सिटी बस के अंदर। तो एक दिन कोयम्बटूर के अंदर भी हम लोग बैठे थे। रास्ते में ये एक कट्टुपल्ली गांव आया है, यहाँ का मार्केट त्रिकाटुपल्ली नाम से बस स्टॉप है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, उसके बाद में बस जो हो जाएगी तंजावुर के लिए। थकान के बाद में एक सुकून वाली नींद, ये बहुत अच्छी होती है। बस के अंदर सब सो गए। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए तंजावुर, जिसे पुराना नाम इसका है तंजोर। तंजोर रियासत थी एक, और यहाँ पर मराठाओं का भी जो एक बार मराठाओं ने भी यहाँ पर जो राज किया था, मराठा पैलेस भी है। तो कई सारे स्थान है वो देखेंगे। ये तो बस स्टॉप है,
थुंजावर बस स्टॉप दोपहर के लगभग 1:30-2 बज गए, खाना खाएंगे कहीं पर, भोजन करेंगे। तू भी खिला ले, ये कह रहे हैं कि प्लेट जो दी है उसको इसमें खाली कर लो। इस तरह से प्लेट है जो हमने सिर्फ केले के पत्ते हैं, है? देख ये इतना मैंने दे दिया चावल बस। यहाँ पर प्योर, यहाँ जो ढाबे होते हैं उनके अंदर आज खाना खा रहे हैं। ना ना क्या कैसी है? ना ना चमची नहीं मिलेगी बेटा, ये सब देखो हाथों से खा रहे हैं, यहाँ चमची रखते ही नहीं है। ये यहाँ पर जो खाना जो खा रहे हैं, पहले हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पर जो खाना, चावल जो इस साइड में जब खाते हैं तो इस तरह से मुट्ठी भर भर के खाते हैं, मतलब ये हमारे लिए नया है, हाथ को इस तरह से पूरा मुट्ठी के अंदर भरते हैं। ये केले का पत्ता यहाँ पर कहीं पे भी जाके देख लो, किसी भी होटल में सब जगह इस तरह से केले के पत्ते के ऊपर ही देते हैं, वैरायटी बहुत है। अब ये 90 रुपए का है एक केले के पत्ते पर, मतलब जो भी जितने भी प्रकार का खाना है सब कुछ इसमें, और भी देंगे, करी देंगे, रायता भी देंगे, छाछ देंगे। 90 रुपीज के अंदर एक थाली है, टेस्टी खाना, हेल्दी खाना, देसी तरीके से खाना। पापड़ आ गए, ठीक है दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सबको जो है वो थैंक यू, नंदरी वणकम, राम राम, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।